हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द फोटोशॉप। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने खाली दीवारों पे एक सुंदर सा पैटर्न या सुंदर सा कोई ग्राफिक कैसे डाल सकते हैं। जैसे आपकी कोई फोटो है जिसमें आप वॉल के आगे खड़े हैं, तो उस वॉल को कैसे सजा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी कोई सी इमेज चूज करनी है। यहाँ पर मैंने एक इंटरनेट से एक इमेज उठाई है, एक पर्सन जो एक खाली वॉल के आगे खड़ा है। तो मैं इसको अपने फोटोशॉप में डाल लेता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो ये वाला मेरा पहला ट्यूटोरियल हिंदी का है, क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इंडियन है, तो मैंने सोचा एक ट्यूटोरियल हिंदी का भी तो बनता ही है। तो ये अभी लोड हो रहा है, अभी मेरा फोटोशॉप थोड़ा स्लो चल रहा है, मुझे शायद उसको चेंज करना पड़ेगा। अभी भी लोड ही हो रहा है। ओके, फाइनली। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको अनलॉक कर लेते हैं और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने का फ़ायदा होता है कि आप मान लो आप इस इमेज में कुछ ख़राबी कर देते हैं, तो आप दूसरी इमेज को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए सिंपल कंट्रोल प्लस जे, और इसको कन्वर्ट करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ओके, तो हम अपना पैटर्न या फिर जो भी ग्राफिक आपको लगाना है उसको भी डाल लेते हैं। मैंने ये पैटर्न चूज़ किया है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर डाल लेता हूँ। अगर आपको इन दोनों इमेजेस में से कोई सी इमेज चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, मैं वहाँ पे लिंक्स दे दूँगा। ओके, तो मैं इसको बस एडजस्ट कर लेता हूँ वॉल के साइज़ के अकॉर्डिंग। ये फिट ही हो गया तो ठीक है, हमें इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसको एंटर करके प्लेस कर लेता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इस लेयर को हाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, असल में हमें ये जो बंदा है उसको हमें पैटर्न के आगे रखना है। क्यों, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल हमें इसको मास्क करना पड़ेगा। तो पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं और इस बंदे को या इस सब्जेक्ट को हम चूज़ कर लेते हैं। उसके लिए आप पेन टूल यूज़ कर लो, क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर लो, जो भी आपका मन करे। यहाँ पे मैं क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करूँगा। ओके, तो इसको थोड़ा साइज अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, जैसा भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ओके, अब बस आपको सब्जेक्ट के ऊपर एज जस्ट पेंट करना है, ब्रश की तरह उसको मूव करना है और वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। ख्याल रखना कि आपने लेयर उसी लेयर को चूज कर रखा हो जिस लेयर पे आप सब्जेक्ट को आप चूज कर रहे हो। जूम करके एक बार चेक कर लो कि आपका सिलेक्शन सही हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो जहाँ जहाँ जो जो अनवांटेड एरियाज है आप उसको रिमूव कर सकते हो माइनस साइन जो टूल बार है उस पर चूज करके, उसका थोड़ा साइज अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। जस्ट उन्होंने एरियाज को रिमूव करना है जो जो हमें नहीं चाहिए। तो मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से बस इधर थोड़ा एरिया रह गया। ओके, बाकी सब परफेक्ट है मेरे, हाँ बाकी सब ठीक है। ओके, थोड़ी और फिनिशिंग। अब क्या करना, हमें अपने जो पैटर्न वाली लेयर है उसको अनहाइड कर लेते हैं और थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि एक्चुअली अगर हम अभी इसको लेयर मास्क कर देंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है उतना एरिया पैटर्न में सिलेक्ट हो जाएगा। तो पैटर्न वाले लेयर को पहले सिलेक्ट करना है। पैटर्न वाले लेयर को सिलेक्ट किया एंड देन जैसे अगर इसको मास्क कर देंगे तो सिर्फ पैटर्न का उतना ही एरिया सिलेक्ट हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए।
हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैटर्न, इस लेयर मास्क को इन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल कंट्रोल शिफ्ट और आई एक साथ दबाना है। अभी आप देख रहे होगे कि आपका जो सिलेक्शन है वो रिवर्स हो गया है। अब इसको लेयर मास्क में क्लिक करोगे तो हमारा पैटर्न सेलेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट हमारा दिखने लगेगा। अब क्या करना है कि इस पैटर्न की एक कॉपी बना लेना, क्योंकि हमें इस पैटर्न की दो लेयर लगेंगी। अब हम किसी ऊपर वाले को हाइड कर लेते हैं, सॉरी गलती से नीचे वाला हो गया। ऊपर वाले को हमें हाइड करना है और नीचे वाले को अनहाइड करना है। ओके, अब इसका जो ब्लेंड मोड है, अब हम उसका ब्लेंड मोड हम मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई ले लेते हैं। मल्टीप्लाई असल में करता है क्या है कि आपके जो डार्क पार्ट्स है उस पर एक्ट करता है और जो हाईलाइटेड पार्ट्स है उस पर एक्ट नहीं करता है। तो हम उसको हाईलाइट पार्ट से रिमूव करना है। तो अब क्या करना है, सिंपल इस लेयर के लेफ्ट साइड पे क्लिक करना दो बार और हमारा ब्लेंड डिफ का ऑप्शन खुल जाएगा। अब इस ब्लेंड डिफ में जाके हमें अंडरलाइन लेयर से हमें इसको लाइट पार्ट से इसको रिमूव करना है। तो यहाँ से हम धीरे धीरे करके रिमूव कर रहे हैं। अब आप देख रहे हो ये बहुत हार्शली हो रहा है, इसको हमें थोड़ा सॉफ्टली रिमूव करना है। तो क्या करना है, ऑल दबा के इसके पॉइंट को पकड़ना है और ड्रैग करना है। तो यहाँ पे दो हिस्सों में बढ़ जाएगा और एक हिस्से को एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर पे रहिए और दूसरे से सॉफ्टली इसको चेंज करते रहिए। जस्ट लाइक दिस। अब हम क्या करना है कि फर्स्ट लेयर पे जाना है, उसको अनहाइड करना है और उसका ब्लेंड मोड स्क्रीन पे चेंज करना है। स्क्रीन बिल्कुल मल्टीप्लाई का उल्टा होता है, वो हाईलाइटेड एरियाज पे एक्ट करता है, ना कि डार्क एरियाज पे। तो इसको भी हमें डार्क एरिया में रिमूव करना पड़ेगा। इसके भी हम ब्लेंडिंग ऑप्शन जाएंगे डबल क्लिक करके लेफ्ट साइड को, और क्या करेंगे कि अंडरलाइन लेयर से इस बार डार्क साइड से हम इसे रिमूव करेंगे। जस्ट लाइक दिस। अब इसको भी सॉफ्टली करना है तो ऑल दबाना है और ऑल दबा के इसको दो हिस्से करना है ताकि ये सॉफ्टली एक्ट करे। अब बस एक साइड को इधर ले जाना और दूसरे साइड से हमें थोड़ा अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करनी है ताकि ये हमारा ढंग से इस पर एक्ट करे। जस्ट लाइक दिस। अब अगर जैसा आप देख रहे हैं नीचे वाली साइड थोड़ी सी ज़्यादा ही परफेक्ट दिख रही है और दीवारों पर प्रिंट है तो इतनी परफेक्ट होनी ही चाहिए। तो अब क्या करना है, इसका लेयर मास्क सेलेक्ट करना है और ब्रश टूल लें और ब्रश का फ्लो थोड़ा कम कर दें, अराउंड 20-21 कर दें और मेक श्योर कि ब्लैक कलर सेलेक्टेड हो फोरग्राउंड में। अब बस धीरे धीरे डैब करके इसमें थोड़ा थोड़ा इसको रिमूव करना है। फ्लो कम है तो ये पूरी तरीके से रिमूव नहीं होगा, बिल्कुल हल्का हल्का रिमूव होगा। जस्ट लाइक दिस। जितना आपको सही लगा, जहाँ जहाँ आपको सही लग रहा है वहाँ वहाँ डैप करके हटा दें। मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया है तो उसको वापस रीगेन करना है। तो सिंपली फोरग्राउंड कलर को वाइट करना है, इसी लेयर को सिलेक्ट करके फोरग्राउंड कलर को वाइट कर दें और ब्रश लेके उसको वापस ला सकते हैं। फ्लो कम है तो वो धीरे धीरे ही वापस आएगा, वही हमें चाहिए। एंड दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट सम कूल ग्राफिक्स और सम कूल पैटर्न्स अपने वॉल पे आप लगा सकते हो। आसान ट्यूटोरियल था मेरे ख्याल से, तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए। तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना और मिलते हैं अगली वीडियो पर।